स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल के संक में। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति सिंह और मेरे साथ है हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में आपके लिए आतंकित प्रश्नों को आज भी हम लेकर आए हैं और आज जिस मंत्रालय की हम बात करने वाले हैं वो है रेल मंत्रालय। तो काफ़ी अहम मंत्रालय है, इसमें कई बहुत ऐसी भी जानकारियां हैं जो कोई रोचक जानकारियां हैं, तमाम आंकड़ों के जरिए भी जानकारी मंत्रालय की तरफ से दी गई है। तो आज जो प्रश्न पूछे गए हैं आइए उनकी शुरुआत करते हैं। और जो पहला प्रश्न है इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ अरविंद जी, वो है रेलवे की सेवाओं को आउटसोर्स किया जाना, इसे लेकर जानकारी मांगी छाया वर्मा जी ने चौधरी सुखराम सिंह यादव और शंभर प्रसाद निषाद जी ने, तो बताइए क्या उत्तर मिला? बिल्कुल, अभी जब अगर आप देखा होगा आपने पीटी की, जब कुछ ट्रेनों के निजीकरण की बात आई तो अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे सवाल आ रहे हैं बहुत सारे वो इससे संबंधित आ रहे हैं, आउटसोर्सिंग को लेकर के आ रहे हैं, ट्रेनों के निजीकरण को लेके आ रहे हैं। और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय रेल का निजीकरण हो रहा है, चूँकि ये देश की लाइफ लाइन है और सांसद बहुत ज़्यादा जो है इस रेलवे के मसले पे बड़े संवेदनशील होते हैं। रेलवे उन डिपार्टमेंट्स में से है जहाँ जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो तीनों सांसदों ने पूछा है। इसको तीन हिस्से में पूछा है। पहला तो ये पूछा है कि क्या जो सरकार तमाम सेवाओं का को आउटसोर्स कर रही रेलवे में और इसके चलते जो तमाम जो स्थायी नौकरियां हैं उनमें कटौती की जा रही है, उसका विवरण मांगा है। ये भी पूछा कि रेलवे में कितने पद खाली पड़े हुए हैं और स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए क्या कार्रवाई की गई है। और ये भी पूछा कि रेलवे ने किन किन स्थायी पदों को समाप्त कर दिया या समाप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित है। तो ये भी काफ़ी विस्तृत सवाल जवाब है। सरकार ने इसका जो पहला हिस्सा है उसमें ये कहा है, जो पहला कि क्या सेवाओं को आउटसोर्स किया जा रहा है उसके परिणाम स्वरूप स्थायी नौकरियों में कटौती की जा रही है, उसका जवाब ये दिया है कि इसका सूचना अलग से एकत्रित की जा रही है जिसको अभी आने में समय लगेगा, जब आएगा तो अलग से इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन दूसरा जो हिस्सा है नौकरियों का, तो उसमें ये कहा कि 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल में कुल जो रिक्त पद हैं वो 3,03,911 हैं, कुल इतनी पदों पर रिक्तियां हैं। और रिक्तियों को भरने के लिए जो समूह गा है उसमें लेवल वन के पदों सहित जो है 1,17,168 पद के लिए उम्मीदवारों के पैनल तैयार कर लिए गए हैं, यानी काफ़ी बड़े पैमानों पर रिक्तियां जो है वो भरने की प्रक्रिया वो पूरी कर ली गई। इसके अलावा 36,436 उम्मीदवारों का पैनल भर्ती प्रक्रिया वो बिल्कुल आखिरी चरण में है और 1,42,563 पदों के लिए जो भर्ती की अधिसूचनाएं हैं वो जारी कर दी गई। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे जो काफ़ी भर्तियां हैं वो करने की एक प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस सवाल का फिर जो आखिरी हिस्सा है कि कौन कौन से पदों को समाप्त कर दिया गया या समाप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित है, इसके लिए भी मंत्री जी जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने जवाब दिया है कि ये सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे जब जटिल सवाल होते हैं प्रीति, उसमें सरकार तत्काल अगर सूचनाएं नहीं दे पाती है तो उसके लिए थोड़ा सा समय मांगती है और इन सूचनाओं को दोबारा जो है दिया जाएगा जब जवाब, तो हम ध्यान रखेंगे और उन सूचनाओं को हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँगे। अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, इको स्मार्ट स्टेशन कुमारी शैलजा जी का, तो क्या इसमें क्या जवाब है, इको स्मार्ट स्टेशन क्या है? बिल्कुल, ये बड़ा रोचक प्रश्न है और ये जो प्रश्न है इसमें कुमारी शैलजा जी ने पूछा है हरियाणा के बारे में जानकारी मांगी। हरियाणा के उन स्टेशनों अगर कोई हो तो उनका ब्यौरा क्या है जिन्हें इको स्मार्ट स्टेशन बनाने के लिए चयन किया गया है जिनका, और इन इको स्मार्ट स्टेशनों पर उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाएं क्या होंगी, इनका ब्यौरा क्या है, इनके विकास के लिए आवंटित संवितरित और प्रयुक्त धनराशि कितनी है, इसका स्टेशनवार ब्यौरा भी मांगा। इसका उत्तर पीयूष गोयल जी ने दिया है और इन्होंने बताया है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलों को कम से कम 5% बड़े स्टेशनों पर ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। रेलों ने 37 ऐसे स्टेशनों की पहचान की है जिनका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाना था और ये जो स्टेशन है इन स्टेशनों को इको स्मार्ट स्टेशन घोषित किया जा सकता है अगर पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। यानी 37 ऐसे स्टेशनों की पहचान की गई है जिन्हें एक तरह से इको स्मार्ट स्टेशन जल्दी घोषित किया जा सकता है। अब क्या है इको स्मार्ट स्टेशन, क्या है इसमें अगर हम बताएं तो इसके कई फायदे हैं। जो यहाँ रेलवे परिसर और यार्ड क्षेत्र होगा वहाँ से अतिक्रमण हटेगा, शौचालय जो होंगे व्यवस्थित होंगे, प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन रहेगा, इको फ्रेंडली बैग और पॉलिथीन उपयोग होंगी, वाटर एडिट होगा,
एनर्जी ऑडिट भी होगा और मौजूदा व्यवस्थाएं जो भी हैं उन्हें काफ़ी बेहतर किया जाएगा, शुद्ध पानी मिलेगा, स्टेशन से निकलने वाले खराब पानी को रिसाइकल करके छोड़ा जाएगा और स्टेशन परिसर में कचरा नहीं मिलेगा, कचरे का पूरी तरह से व्यवस्थित निपटारा किया जाएगा। तो ये तमाम सुविधाएं होंगी, इको फ्रेंडली स्टेशन होंगे। तो इसे लेकर आगे उन्होंने बताया है कि कोई भी स्टेशन, जो 37 ऐसे स्टेशन है जिनकी पहचान की गई है, इनमें से कोई हरियाणा में नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने हरियाणा को लेकर जानकारी मांगी थी। इसलिए आगे जो इनके प्रश्न के भाग हैं हरियाणा को लेकर, उसमें उन्होंने बताया है कि प्रश्न नहीं उठता है। ये उत्तर इको स्मार्ट स्टेशन को लेकर दिया है मंत्रालय ने। आगे जो हमारा प्रश्न अरविंद जी रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ, वो है रेलवे की मालगाड़ियाँ। ये कामाख्या प्रसाद तासा जी ने जानकारी मांगी, बताइए क्या उत्तर है। हाँ बिल्कुल, बेसिकली ये जो सवाल है तासा जी का पीटी, ये माल ढुलाई को लेकर के है, क्योंकि जो रेलवे की माल ढुलाई है वो बैकबोन है पूरा रेलवे की, पूरी जो अर्थतंत्र है वो माल ढुलाई पर ही चलता है। अगर आप 100 रुपये रेलवे कमा रही तो उसमें 70 रुपये तो माल ढुलाई से आता है। तो ये पूछा है कि रेलवे द्वारा कुल कितनी मात्रा में माल ढुलाई की जाती है, पहला सवाल है। दूसरा है कि ये माल ढुलाई के लिए कुल कितने माल डिब्बों का उपयोग किया जाता है, और क्या उत्तर पूर्व रेलवे में माल ढुलाई के लिए माल गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है। और आपने जैसे देखा कि शैलजा जी ने पूछा हरियाणा के बारे में, तो इसमें भी ये देखते हैं कि हमारे जो सांसद हैं राज्यसभा के, चूँकि वो एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इलाके का करते हैं, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बजाय, मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्य है तो वो अपने राज्यों के बारे में पूछते हैं, और लोकसभा के जो सांसद हैं वो अपने स्पष्ट एक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पूछते हैं जो छोटा होता है। जवाब पीयूष गोयल जी ने दिया, उन्होंने कहा कि 2018-19 के दौरान जो माल भाड़ा लदान था उससे अर्जित राजस्व जो वो था 2017-18 में जो कुल ढुलाई हुई है वो 1159.55 मिलियन टन हुई थी, और उसकी तुलना में 1221.48 मिलियन टन हुई है 2018-19 में, यानी बढ़ोतरी हुई है। और जो मौजूदा वित्त वर्ष है, मतलब उसमें 31 दिसंबर 2019 तक का जो आंकड़ा दिया है, उसमें भारतीय रेल द्वारा माल भाड़ा यातायात से अर्जित राजस्व का जो लदान है वो इसमें दिया है 889.19 मिलियन टन लदान किया गया है, क्योंकि अब तो काफ़ी ये जो बीच में का जो पीरियड है, इस बीच में काफ़ी कुछ माल की लदान होती है, खास तौर पर आप देखते होंगे फूड ग्रेन्स वगैरह काफ़ी इस बीच में आता है, तो अब काफ़ी बढ़ गया होगा। डिब्बों की बात हुई है इसमें, तो 2018-19 के दौरान इसमें 31 दिसंबर 2019 तक का आंकड़ा जो दिया है माल ढुलाई के लिए 286,882 डिब्बे, और इसमें और 294,553 माल डिब्बों का उपयोग किया गया है, ये आंकड़ा दिया हुआ। और इसमें रेल प्रणाली में रैकों के लिए जो मांग और अनुरोध ये प्राप्त होते हैं, जो सरकार की ओर से उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है, और मांग पत्रों की जो स्थिति है, मतलब ढुलाई की जो मांग पत्र है उनकी स्थिति में लगातार बदलाव होता रहता है, और इसीलिए जो मांग पत्रों की तुलना में रैकों की जो समग्र आपूर्ति है वो राज्यवार की जगह या क्षेत्रवार नहीं बल्कि स्टेशनवार आधार पर की जाती है, ये जवाब दिया है इसमें। अब एक और सवाल ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि रेल पटरियों के निकट असुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले परिवार, डॉक्टर प्रकाश पांडा का सवाल है, क्या ये सवाल जो इंक्रोचमेंट वगैरह है इससे संबंधित है, क्या क्या जवाब है इसमें प्रीति? ये जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, तीन भागों में जानकारी मांगी, और उन्होंने यही पूछा है कि जो रेल की पटरियों के पास असुरक्षित क्षेत्र है, यहाँ से खास तौर से जहाँ उन्होंने पूछा, जहाँ से कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक सहायक कंपनियों में कोयले की आवाजाही होती है, कोयले का परिवहन किया जाता है, वहाँ रहने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, क्या रेलवे ने इन असुरक्षित परिस्थितियों का उक्त परिवारों के स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है, और 3 वर्षों के दौरान पुनर्वास किए गए परिवारों की संख्या कितनी है और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई पुनर्वास में। तो उत्तर जो मिला है, पीयूष गोयल जी ने जो उत्तर दिया, उन्होंने बताया रेलवे पटरियाँ जिन पर कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक सहायक कंपनी के परिसर से कोयले का परिवहन किया जाता है, उनके नज़दीक जो असुरक्षित एरिया है उस क्षेत्र में रहने वाले परिवारों की संख्या से संबंधित ब्यौरा भारतीय रेलवे नहीं रखती कि कितने परिवार रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड दिया, वो बताया है कि जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार देश में भारतीय रेलवे की भूमि पर 1,34,010 अतिक्रमण हुए हैं, ये भारतीय रेलवे की भूमि पर 1,34,010 अतिक्रमण हुए हैं।
आगे उन्होंने बताया है, जो ये प्रश्न पूछा है कि जो ऐसे परिवार रह रहे हैं अनसेफ एरिया में, उनके स्वास्थ्य के प्रभाव को लेकर क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया, तो उत्तर मिला है कि नहीं, स्वास्थ्य जो है वो राज्य का विषय है। इसके अलावा इन परिवारों के स्वास्थ्य पर असुरक्षित परिस्थितियों के प्रभाव को समझने के लिए जो अध्ययन करने की जिम्मेदारी है वो भारतीय रेलवे की नहीं है, यानी इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ ये प्रश्न नहीं है। आगे और जानकारी दी है कि पुनर्वास संबंधी कार्य भारतीय रेलवे नहीं करता है, क्योंकि हाउसिंग भी राज्य का विषय है। पुनर्वास या पुनर्स्थापन के लिए वैकल्पिक स्थान मुहैया कराने के साथ साथ इससे जो संबंधित लागत है उसका वहन करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार या फिर शहरी स्थानीय निकायों की होती है। ये उत्तर यहाँ पर मंत्रालय ने दिया है। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं, बड़ी लाइन पर विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है उसे हासिल करने को लेकर जानकारी अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने मांगी, तो इसमें क्या उत्तर मिला है? हाँ बिल्कुल, ये जो बड़ी लाइन है प्रीति, मुख्य रूप से इसी को आप लाइफ लाइन कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा माल और यात्री ढुलाई इन्हीं पर होती है, और अब बहुत कम संख्या रह गई है जिसको आप छोटी लाइन या जो नैरो गेज जिनको बोलते हैं पहाड़ों पर। तो ये जो है 1992 के दौरान एक परियोजना चलाई गई जिसका नाम था प्रोजेक्ट यूनिगेज। उसके बाद एक दूसरा जो पहल हुई है इस सरकार में, एनडीए सरकार में, वो ये थी कि जो बड़ी लाइन है उससे आपने देखा होगा बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी जो है, खासतौर पर अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पर। तो लेवल क्रॉसिंग ख़त्म कर दी गई है बड़ी लाइन पर। अब ये दूसरा जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चल रहा है वो है बड़ी लाइन पर पूर्ण विद्युतीकरण। ये सवाल उसी से जुड़ा हुआ, और अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने जो सवाल पूछा है रेल मंत्री से, पूछा कि क्या जो मौजूदा समय में बड़ी लाइन के रेल मार्गों के विद्युतीकरण करने का जो लक्ष्य रखा गया उसमें चूक की संभावना है, और अगर हाँ तो विद्युतीकरण परियोजना के लिए निधि की उपलब्धता समेत बाकी अवरोध क्या हैं, इसके बारे में बताएं जो है। जवाब पीयूष गोयल ने दिया है जो कि रेल और वाणिज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई चूक की संभावना नहीं है, जो ये वित्त वर्ष चल रहा है उसमें 6000 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में 31 दिसंबर 2019 तक 2454 किलोमीटर का विद्युतीकरण कर दिया गया है, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में जो इस अवधि में विद्युतीकृत 2033 मार्ग किलोमीटर से 20% अधिक है, यानी बहुत तेज गति से विद्युतीकरण का काम चल रहा है, और ये अपने आप में रिकॉर्ड है बीती, क्योंकि इतना बड़ी मात्रा में कभी किसी साल जो है विद्युतीकरण का लक्ष्य नहीं रहा। तो कुल मिलाकर के ये लगातार जो सरकार का ये कहना है कि विद्युतीकरण की गति को मतलब बनाया हुआ है। इसी के साथ जो रेलवे मंत्रालय से जुड़े सवाल हैं अरविंद जी, वो आज हमने अपने अंक में शामिल किए हैं। आगे भी इस मंत्रालय से जुड़े और सवाल लेंगे और ज़रूरी विभागों पर भी बात करेंगे। फिलहाल मुझे और अरविंद जी को इस अंक के लिए यहीं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।